टाइगर श्रॉफ अभिनीत हीरोपंती 2 को इस साल की शुरुआत में बड़ी प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था। अफसोस की बात है कि भयानक वर्ड ऑफ माउथ ने इसे बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। फिर भी उनकी पिछली जेब में अभी भी 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में गणपत और बड़े मियां छोटे मियां हैं। टाइगर स्क्रू धीला में अभिनय करेंगे, जिसका निर्माण करण जौहर की धर्म प्रोडक्शंस द्वारा किया जाएगा, कंपनी ने पिछले महीने खुलासा किया था। एक प्रमुख घोषणा वीडियो भी जारी किया गया था, जिसमें एक भयभीत टाइगर श्रॉफ को वर्दी में पुरुषों द्वारा पूछताछ करते देखा गया था। सबसे पहले वो एक निर्दोष पीटी प्रशिक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन अचानक वो हमला मोड में बदल जाता है और दुश्मन के लोगों को शामिल कर लेता है। अफवाहों के अनुसार रश्मिका मंदाना, जो पुष्पा में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं, स्क्रू धीला में टाइगर की प्रेमिका की भूमिका निभाएंगी। कुछ अफवाहों ने यह भी कहा कि जाह्नवी या शनाया कपूर भूमिका निभाएंगी। इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड हंगामा को खबर दी गई है। अंदरूनी सूत्र ने कहा, निर्देशक शशांक खेतान और निर्माता करण जौहर ने फिल्म को होल्ड पर रखने का फैसला किया है। इसके अलावा अन्य कारक भी थे। सबसे पहले फिल्म $150 मिलियन के बजट के साथ एक बड़े पैमाने पर एक्शन कॉमेडी है। टीजर हालांकि उस तरह की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई जिसकी रचनाकारों को उम्मीद थी। टाइगर की हीरोपंती 2 बुरी तरह विफल रही, बॉक्स ऑफिस पर उनके प्रभाव पर संदेह पैदा कर रही थी। अंतिम लेकिन कम से कम वर्तमान फिल्म कार्यालय का परिदृश्य भयानक है, विशेष रूप से भयानक चित्रित किया गया है आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन द्वारा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों द्वारा यह समझा गया कि इस समय इस फिल्म को फर्श पर लेना उचित नहीं है, व्यक्ति ने कहा। पेंच धीला अंदर नहीं है एक किताबों की अलमारी। गिरोह इस फिल्म को बाद में देखने की योजना बना रहा है जब बॉक्स ऑफिस का माहौल अनुकूल हो। यह पहली बार नहीं है जब शशांक खेतान की फिल्म एक बड़ी घोषणा के बाद देरी हुई है। वो वरुण धवा का निर्देशन करेंगे एन अभिनीत फिल्म रणभूमि, यह फरवरी 2018 में सामने आई थी। बाद में फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। रणभूमि को इसके शीर्ष विशेष प्रभावों के कारण एक बड़े बजट की आवश्यकता थी, शशांक के अनुसार, जब उन्होंने अगस्त 2020 में फिल्म के बारे में खोला। परिणाम स्वरूप उस समय परियोजना के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया गया। फिर उन्होंने वरुण के साथ एक जासूसी थ्रिलर बनाने का इरादा किया था, लेकिन दुख की बात है कि यह कभी महसूस नहीं हुआ। उन्हें बाद में फिल्म योद्धा में शाहिद कपूर के साथ अभिनय करने के लिए स्लेट किया गया था। महामारी की बाधाओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। योद्धा करण जौहर द्वारा निर्मित और सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म शशांक खेतान की फिल्म से अलग होने का दावा किया जाता है। इस फिल्म के निर्माताओं में से एक शशांक हैं। वरुण धवन, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर अभिनीत फिल्म मिस्टर लेले को तब शशांक खेतान द्वारा निर्देशित किया जाना था। वरुण ने भी एक विनोदी प्रवेश का प्रयास किया। फिल्म में देरी हुई और बाद में इसका नाम बदलकर गोविंदा नाम मेरा कर दिया गया। वरुण धवन के जाने के बाद विक्की कौशल फिल्म में शामिल हुए।